माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दी। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला भले ही फिर से लोकसभा स्पीकर बन गए हों, लेकिन सांसदों से मिसबिहेव और तू तड़ाक का उनका पुराना रवैया अभी भी बरकरार है। लोकसभा में शुक्रवार को ओम बिरला ने संसदीय मर्यादा की एक बार फिर से धज्जियां उड़ा दी। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपनी बात रखने की इजाजत ही नहीं दी, और जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पूरे वाक्य पर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी भी जताई, जबकि विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, कोई हम रिकॉर्ड सर, में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने, ओके। सबाप विपक्षी सांसदों के साथ ओम बिरला पर मिसबिहेव करने के आरोप पिछले 5 साल से लग रहे हैं। 27 जून को हरियाणा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी ओम बिरला ने जो हरकत की थी उसकी पूरे देश में मजम्मत हुई थी। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो, चलिए। 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही ओम बिरला ने अपने रवैये से साबित कर दिया है कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के लिए अपनी बात रखना और जनता के मुद्दे उठाना आसान नहीं रहने वाला।